नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल ही झारखंड सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। 2021-22 सत्र के लिए अपना बजट पेश कर दिया है। और दोस्तों, ये जो बजट पेश हुआ है, ये आपके जेपीएससी एग्जाम में इससे मिला जुला प्रश्न पूछा जा सकता है, इससे जुड़े हुए प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं। तो ये टॉपिक आपके जेपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जेएसएससी, सीजीएल या झारखंड में जो भी एग्जाम्स होंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आज हम लोग इस बजट को जानेंगे कि इस बजट में क्या है और इस बजट से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बजट 2021-22 में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको जानेंगे, यानी महत्वपूर्ण तथ्य क्या है उसको सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए, ये जो बजट पेश हुआ है दोस्तों, ये 91,277 करोड़ रुपये का है, जो कि अभी ये बजट पेश हुआ है। उसका कुल राशि जो है दोस्तों, इसमें 91,277 करोड़ रुपये की है, जो कि 2020-21 यानी इससे पहले जो आया था बजट, उसमें से 14.08% अधिक है, यानी 4,907 करोड़ रुपये अधिक है 2020-21 में जो बजट आया था। उसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, तो उससे इतना रुपया अधिक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस बजट को एक नज़र देखते हैं, इस बजट में क्या है। देखिए, 2001 से 2 में जो बजट आया था, यानी पहला बजट जो पेश हुआ था, वो 7,174.02 करोड़ रुपये का था, ठीक है, ये पहला बजट था। अब देखिए, ये 2001-2 में इतना बजट था, और ये 21 साल में बढ़कर 13 गुना वृद्धि इसमें हो गया, यानी 21 साल में जो बजट में वृद्धि हुई, ये 13 गुना यानी 13x इसमें वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें जो व्यय होगा वो कैसे होगा वो मैं बता दूं। राजस्व हुआ है, इसमें है 75,755.01 करोड़ रुपये का है, और पूंजीगत व्यय जो रखा गया है वो है 15,521.99 करोड़ रुपये। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, आपका करंट अफेयर के जेपीएससी में पूछा जा सकता है कि ये जो बजट पेश किया गया उसमें राजस्व व्यय में कितने रुपये रखे गए या कितने करोड़ रुपये रखे गए हैं, ऐसा पूछा जा सकता है, और पूंजीगत व्यय में कितने करोड़ रुपये रखे गए थे। तो ऐसे प्रश्न बना के पूछ सकता है, तो आपको खुद ब खुद ये सब सब कुछ याद रखना, ताकि कोई भी प्रश्न पूछे तो आप इजीली उसका आंसर दे सको। आगे बढ़ते हैं अब, क्षेत्रवार आवंटन, ठीक है, मतलब कि किस क्षेत्र में कितना पैसा इसमें रखा गया है, तो वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सामान्य क्षेत्र में देखिए कितना करोड़ रुपये दी गई है, 26,734.2 करोड़ रुपए। सामाजिक क्षेत्र में देखिए कितना दिया है, 33,625.72 करोड़ रुपए सामाजिक क्षेत्र के लिए रखा गया है। अब आर्थिक क्षेत्र के लिए कितना रखा गया है, 30,917.23 करोड़ रुपए आर्थिक क्षेत्र के लिए रखा गया है। समझ में आया आपको? तो इस ये सबसे प्रश्न आपका बन सकता है, ठीक है, ये सबसे भी प्रश्न आपको बना के दे सकता है, मतलब आपको सब कुछ याद रखना है यदि आपको जेपीएससी क्वालिफाई करना है तो। अब आगे देखिए, इसमें क्या विशेष है, पहली बार 11 विभागों के लिए आउटकम बजट पेश किया गया है, यानी आउटकम बजट पेश किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इससे क्या प्रश्न बन सकता है वो मैं आपको कुछ कुछ बता दे रहा हूँ। बजट का उद्देश्य मुख्य केंद्र सॉरी बजट का मुख्य केंद्र क्या है, मतलब जो ये नया बजट आया है 2021-22, इसका मुख्य केंद्र क्या है। तो इसका मुख्य केंद्र क्या है, गांव और गरीब इसका मुख्य केंद्र है, ठीक है। अब दूसरा जो है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कितना आवंटन किया गया है, जैसे मैंने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिया था, तो इस टाइप का प्रश्न आपका बन सकता है। तो कितना होगा, 8,653 करोड़ रुपये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए आवंटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है।
आगे देखिए, ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए कितनी राशि दी गई, ये तीसरा प्रश्न बनता है। तो देखिए, ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए कितनी राशि दी गई है, 2,125.36 करोड़ रुपये ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए राशि आवंटित की गई है या दी गई है। तो उसमें से जिला परिषद में देखिए कितना मिला है, 202.68 करोड़ रुपये, पंचायत समिति के लिए 304.03 करोड़ रुपये, ग्राम पंचायत के लिए 1,618.65 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। ठीक है, यहां से भी प्रश्न बना के दे सकता है, तो आपको सब कुछ याद रखना है। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या क्या प्रयास किए, मतलब क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो देखिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, 2 जोड़ा बैल, किसानों को 2 जोड़ा बैल दिया गया, 2 गाय, पशुपालकों को 2 गाय देने की बात कही गई, मनरेगा वालों को क्या दिया गया, मतलब कि 31 रुपया बढ़ा दिया गया मनरेगा में। सबसे पहले कितना था, 194 रुपया था, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, और उसको बढ़ा के क्या कर दिया गया, 225 रुपया। तो यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है कि अभी मनरेगा मजदूरी दर, वर्तमान मनरेगा मजदूरी दर कितनी है, तो आपको याद रखना है 225 रुपये। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये डी नंबर पे है, कोपर्स फंड। ठीक है, कोपर्स फंड के तहत 5 लाख रुपया प्रवासी मजदूर की मृत्यु होने पर दी जाएगी। समझ गए आप लोग, यानी कोई भी प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में यदि वो मर जाता है, किसी कारण उनका मृत्यु हो जाता है, तो 5 लाख रुपया दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ फूलो झानो, यानी फूलो झानो जो है, फूलो झानो के तहत बहुत महिलाओं को काम दिया गया, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया है। आपको बता दूं कि फूलो झानो आशीर्वाद योजना में क्या हुआ था, तो इसमें महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए मतलब बहुत सारी योजनाएं लाई गई थी, बहुत सारे कार्य दिए गए थे, जिससे कि जो हमारी महिलाएं हैं वो स्वावलंबी बन सकें और खुद ब खुद पैसा कमा सकें। तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें सरकार ने क्या किया कि बहुत सारे रोजगार के अवसर प्राप्त दिए गए महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, ये योजना लाई गई, और इसमें कुल मिलाकर 15,000, ठीक है, कुल मिलाकर 15,063 महिलाओं को आजीविका के लिए, यानी जीवन पोषण के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए विभिन्न साधन दिए गए, विभिन्न प्रकार के साधन दिए गए आजीविका को चलाने के लिए। समझ में आ गया, तो ये हो गया फूलो झानो आशीर्वाद योजना। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत कितने महिलाओं को साधन या विभिन्न संसाधन दिए गए, तो 15,063 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए खुशखबरी क्या है इस बजट का, इस बजट का ये खुशखबरी है कि आम लोगों पर नो टैक्स, मतलब टैक्स नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर पे है दोस्तों, एक प्रश्न बनता है कि गांवों और खेती पर कितना अधिक खर्च करने की बात कही गई। ठीक है, तो गांवों और खेती पर कितना अधिक खर्च करने की बात कही गई, तो वो हो जाएगा 11% अधिक। ठीक है, 11% अधिक खर्च होगा। अब आज की वीडियो में बस इतना ही, और इस बजट में और भी कुछ बचा हुआ है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि चैनल में नया तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स लाइक जरूर करें, और मेरी दुआ है कि आप सभी जो वीडियो देख रहे हैं वो सभी का जेपीएससी 100% पीटी क्वालिफाई होने वाला है, ये मेरी दुआ है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जेपीएससी की इसी प्रकार के क्लासेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, चैनल को जरूर सपोर्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू।